ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल जून के 3rd Sunday को एज अ फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेटियों के लिए तो उनके पापा हमेशा हीरो होते हैं और पापा के लिए तो उनकी बेटियां हमेशा उनकी प्रिंसेस रहती हैं। हमारे कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इस पापा बेटी के रिश्ते को बेहद ही खूबसूरती से फिल्माया गया है। तो चलिए इस फादर्स डे पर हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप इस स्पेशल मौके पर अपने पापा के साथ देख सकती हैं। नंबर 1, पीकू। एक मेहनती बेटी यानी कि दीपिका पादुकोण अपने हाइपोकॉन्ड्रियाक पिता यानी के अमिताभ बच्चन के साथ दिल्ली से कोलकाता के लिए रोड ट्रिप पर जाती हैं। पीकू उन फिल्मों में से एक है जो आपको जितना हंसाएंगी उतना ही रुलाएंगी। फिल्म में हम देखते हैं कि बाप बेटी की ये जोड़ी एक दूसरे को बेहद परेशान करती है, लेकिन ये भी साफ है कि दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। नंबर 2, दंगल। फिल्म में आमिर खान मतलब महावीर सिंह फोगाट जो कि एक एक्स रेसलर हैं, अपनी बेटियों गीता और बबीता को पहलवान बनाना चाहते हैं। फिल्म में फोगाट एक कठिन टास्क मास्टर की भूमिका निभाते हैं जो अपनी बेटियों को रेसलिंग की ट्रेनिंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड ये फिल्म दिखाती है कि जब बच्चों की जिंदगी बनाने की बात आती है तो पिता को अपने बच्चों के लिए बहुत कठोर भी होना पड़ता है। ये स्पोर्ट्स फिल्म आपके वीकेंड प्लान के लिए बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 3, अंग्रेजी मीडियम। इस साल बड़े पर्दे पर रिलीज हुई इरफान खान और राधिका मदान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम ने बाप बेटी के रिश्ते को बेहद ही सुंदर तरीके से दिखाया। फिल्म की कहानी उस पिता की है जो लंदन की एक यूनिवर्सिटी में अपनी बेटी के एडमिशन कराने के लिए किसी हद तक जा सकता है। ये फिल्म आपको गुदगुदाने के साथ साथ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर भी ले जाती है। नंबर 4, थप्पड़। फिल्म में जब अमृता यानी कि तापसी पन्नू अपने पति के थप्पड़ मारने के बाद तलाक देने का फैसला करती है तो उसके पिता उसके साथ खड़े होते हैं। वास्तव में वो पूरे परिवार में अकेले व्यक्ति हैं जो उसके दर्द को समझते हैं और उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाते। जैसे अमृता हर रोज एक नई परेशानी का सामना करती है, उसके पिता बिना शर्त उसे सपोर्ट करते हैं। अमृता के पिता के रोल में एक्टर कुमुद मिश्रा ने कमाल की एक्टिंग की है। नंबर 5, चीनी कम। तब्बू, अमिताभ बच्चन और परेश रावल स्टारर ये फिल्म बाप बेटी के रिश्ते पर बनाई गई सबसे अलग और स्पेशल मूवी है। फिल्म में 34 साल की नीना यानी कि तब्बू को 64 साल बुढ़े देव यानी कि अमिताभ बच्चन से प्यार हो जाता है। ये कपल शादी करना चाहता है लेकिन नीना के पिता ओम प्रकाश जो कि परेश रावल होते हैं इसका विरोध करते हैं। ओम प्रकाश बुढ़े देव से छोटे हैं और इसीलिए वो अपनी बेटी को अपनी उम्र से बड़े व्यक्ति से शादी करने से मना कर देते हैं। ये एक मजेदार फिल्म है जो एक बेटी की कहानी पर फोकस्ड है। वो बेटी जो अपने पिता को उसकी पसंद का सम्मान करना सिखाने की कोशिश करती है। तो इसमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर जिंदगी की ओर से हैप्पी फादर्स डे।